हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो लेक्चर है हमारा, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से आता है, संघ की कार्यपालिका से, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो है राष्ट्रपति के बारे में। अब केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन से टॉपिक आते हैं हम आपके, तो राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आती है, महान्यायवादी आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आता है और हमारे कैग आते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये सारे टॉपिक हमारे भाग 5 में आते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, पहली चीज हमने पढ़ी थी पार्ट 1 में, 1 से 4 आर्टिकल थे भाग 1 में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ उसका राज्य क्षेत्र। फिर 5 से 11 तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, भाग 2 पढ़ा था, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद 12 से लेके 35 तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़े थे भाग 3 था, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद 36 से लेके 51 तक हमने क्या पढ़ा था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेम ही होते हैं। उसके बाद हमने 51A पढ़ा, 51A में हमने क्या पढ़ा, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये पढ़ा। ये भाग 3 था, ये भाग 4 था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने ये सब कुछ पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे भाग 5 में, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्र की, संघ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कार्यपालिका, मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, एजीआई और उच्चतम न्यायालय और कैग, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें कहां से कहां तक दे रखा है, तो सबसे पहली बात, इसमें 52 आर्टिकल से लेके 78 आर्टिकल तक आता है आपका, जिसमें 52 से लेके 62 तक किसके बारे में बता रखा है, राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सबसे पहले तो राष्ट्रपति होते क्या है, तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक बताया रखा है। कहां पे बताया गया है, तो भाग 5 में बताया गया है। किसके बारे में, संघ के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। जो हमारी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, मंत्रिपरिषद है, उसके प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। देखिए, वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। जो कार्यपालिका है उसके वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही सारे काम करते हैं। और अगर सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख बोले तो वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संविधान में लिखा रखा है कि प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं तो वो कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 52 क्या बताता है, तो ये बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल डेफिनेशन जैसा ही है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ही पढ़ना है आपको। आर्टिकल 54 में क्या बताया है, 52 के बाद 54 इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा। अब सबसे पहले आपने बोल दिया कि राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या बोला कि इनका इलेक्शन किस तरह से होगा, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन सिंपल जैसे बाकी सब इलेक्शन होते हैं उस तरह से नहीं होते। जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन किस तरह से होता है, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में आपने वोट दिए होंगे, बिल्कुल दिए हैं, ठीक है, आप यहाँ वोट देते हैं, विधायक चुनकर जाते हैं, वो वहां पे वोट देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। जो भी पार्टी जीतती है उसका पर्सन, जो भी एक मुखिया होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इस तरह से नहीं होता। वो किस तरह से बनते हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग होती है वो डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। किस तरह से होती है, पहले तो यहाँ देखते हैं कौन कौन वोट देता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो स्टेट्स हैं उनके एमएलए, ठीक है, विधान सभा के सदस्य होते हैं एमएलए, मतलब ये विधानसभा के सदस्य हैं वो, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते इसमें। लोकसभा के जो लोग चुनकर आए हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो इसमें वोट डालते हैं। राज्यसभा के जो लोग चुनकर आए, मतलब कि निर्वाचित सदस्य, वो वोट डालते हैं। और स्टेट के जो एमएलए हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो वोट डालते हैं। इसमें 28 राज्य हो जाते हैं आपके, पहले 29 थे। जम्मू एंड कश्मीर जो था वो यूनियन टेरिटोरी में बदल गया, केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे हैं जिनकी विधानसभा है जिनमें और जो वोट डालती है, तो दिल्ली और पौंडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पौंडुचेरी। यहाँ पे 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको क्या किया गया था, जो दिल्ली थी उसको राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था और पौंडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया था। और यहाँ पे विधानसभा, इसीलिए यहाँ के जो सदस्य हैं एमएलए जो हैं वो वोट डालते हैं। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो आपका राज्य था, उसको भी एक यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। तो यहाँ पे इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं, यहाँ की अभी विधानसभा बनी नहीं है, इसीलिए इसके अभी वोट नहीं स्टार्ट हुए। जब इसकी विधानसभा बन जाएगी तो फिर इसमें भी वोट डालना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ के भी, ठीक है। इसके लिए भी एक अलग से एक्ट आएगा,
ठीक है, संशोधन होगा जिसकी शुरुआत होगा, ठीक है, ओके। तो ये प्रेसिडेंट के वोट में इलेक्शन में ये लोग वोट डालते हैं। अब निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है, लोकसभा के कितने मेंबर्स ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता है? तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है 2 सदस्यों को, और राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये जो टोटल 14 लोग है ना, ये लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते, इसमें सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और स्टेट के एमएलए कौन कौन से हैं वो आपको हमने बता दिया। ओके, तो ये होता है इलेक्शन, किसमें बता रखा है, 54 में बता रखा है, और 55 में भी इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 54 और 55 दोनों में निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रोसीजर है ना उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें तो अधिकार कौन कौन देगा, मतलब ये लिखा गया किस किस को राष्ट्रपति के लिए वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये 54 में लिखा गया है। 55 में क्या क्या लिख रखा है, उसकी प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसीजर कैसा होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसीजर किस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो वोट नहीं देंगे, विधानसभा के देंगे। ठीक है, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के देंगे, क्योंकि विधानसभा के जो लोग हैं वो डायरेक्शन कराते हैं इसीलिए। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके सदस्य भी वोट नहीं देंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो वो क्यों वोट देंगे। जिनको भी कोई नॉमिनेट कर रहा है ना वो नहीं देंगे वोट। वोट कौन देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको जनता द्वारा चुनकर आए हैं ना वही वोट देंगे। ठीक है, तो ये नहीं देंगे। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी कुछ एक राशि जमा करनी होती है चुनाव लड़ने के लिए, ये गारंटी की तरह होती है। तो इसके लिए 15,000 रुपये चुनाव लड़ने से पहले जमा कराने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी योग्यताओं के बारे में। अब आपने बात कर ली कि इनका इलेक्शन होगा, इलेक्शन किस तरह से होगा वो भी हमने देख लिया, इलेक्शन का प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पहले हम योग्यताएं देख लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होंगी। तो इसके बारे में 58 आर्टिकल में बता रखा है। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं के लिए सबसे सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए कि भारत का नागरिक हो, और दूसरी चीज क्या चाहिए कि मिनिमम एज कितनी हो, 35 ईयर्स हो, मिनिमम एज 35 ईयर्स हो, भारत का नागरिक हो, और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, लोकसभा के सदस्य के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 25 ईयर्स चाहिए होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर्स चाहिए होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर्स चाहिए होती है। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर्स चाहिए होती है। राज्यपाल के लिए 35 ईयर्स चाहिए होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए और राज्यपाल के लिए, ठीक है, गवर्नर के लिए, इनके लिए 35 ईयर्स चाहिए होती है। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 ईयर्स, प्रेसिडेंट के लिए सॉरी प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स, चीफ मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स, ठीक है, और आपके जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके लिए भी 25 ईयर्स। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, 30 ईयर्स, ठीक है, ओके। पंचायत के लिए कितनी चाहिए, 21 ईयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत के लिए कितनी चाहिए, 21 ईयर्स, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। तो राष्ट्रपति के लिए कितनी चाहिए होती है, 35 ईयर्स मिनिमम इज, और लोकसभा की सदस्य बनने के लायक हो। देखिए, आपको लगेगा कई बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि 35 ईयर्स है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लायक हो, नहीं, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, इलेक्शन द्वारा चुने आ सकते हो, तो उसको क्या बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को इससे कोई सैलरी नहीं लेना चाहिए। वेतन जो होता है वो संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, 5 लाख रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होती है, वेजेस वगैरह, और इनकी जो सैलरी होती है वो सिवाय वित्तीय आपातकाल के कभी भी कम नहीं होता, राष्ट्रपति की सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। कार्यकाल मतलब संसद इसमें अननेसेसरली उनके टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे इसको कम नहीं कर सकती, राष्ट्रपति की सैलरी को। इनका कार्यकाल ये 56 में बता रखा है, कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, 5 साल का किसमें बता रखा है, 56 में। इनकी योग्यताएं 58 में बता रखी है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब राष्ट्रपति के लिए चुनाव की पद्धति किस तरह की होती है, किस तरह से इनकी वोटिंग होती है। तो एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा इनका इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, देखिए, इनके जो इलेक्शन होते हैं उनमें हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं, हम जिन लोगों को चुनते हैं वो हमारे लिए हमारे राष्ट्रपति चुनते हैं। जैसे कि हम किसको चुनते हैं, देखिए,
हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, बिल्कुल हम लोकसभा के सदस्य चुनते हैं तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो स्टेट से चुनकर जाते हैं, स्टेट की जो आपकी विधानसभा है ना उससे चुनकर जाते हैं। अब विधानसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं, हाँ, और हमारे चुने हुए लोग कहाँ गए, तो राज्यसभा में गए, तो चुने हुए लोग वोट डालते हैं। और स्टेट के जो एमएलए हैं, ये विधानसभा के जो लोग हैं एमएलए, वो इसमें वोट डालते हैं, मतलब कि जिनको हमने वोट डाला है वो हमारे लिए राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनकी चुनाव की पद्धति, प्रोसेस किस तरह से होती है, प्रक्रिया कैसे होती है, ये किस आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल 55 में इनके इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बता रखा है। कैसी, 55 में क्या होती है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। देखिए ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है, 50% से अधिक मत होते हैं इसमें, ठीक है। इस ये जो प्रोसेस होती है, ये जो पद्धति होती है, इसमें जो भी निर्वाचित उम्मीदवार होते हैं वो उनको अनुपातिक दृष्टि से सबसे ज्यादा लोगों की पसंद अगर होती है तो उनको राष्ट्रपति चुना जाता है। समझते हैं इस चीज को। देखिए ये है, चार लोग पांच लोग जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। चार कैंडिडेट खड़े हो गए, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि मैंने ए को चुनना है, इस तरह से नहीं होता। हमें क्या प्रेफरेंस देनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, प्रायोरिटी देनी है कि भाई मैं किसको, मेरी प्रायोरिटी किसको है। तो मैंने बोली कि मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि ए प्राइम मिनिस्टर बने, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, ए को है, या सेकंड प्रायोरिटी मेरी ए को है, या थर्ड प्रायोरिटी मेरी ए को है, या फोर्थ प्रायोरिटी, मैं कोई भी प्रायोरिटी दे सकती हूँ, ठीक है। मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सबको वोट दे दूंगी। मैंने पहली प्रायोरिटी किसको दे दी, बी को दे दी, फिर सेकंड प्रायोरिटी मैंने सी को दे दी, फिर थर्ड प्रायोरिटी मैंने ए को दे दी, और फोर्थ प्रायोरिटी मैंने डी को दे दी, ठीक है। अब इसी तरह से कोई दूसरा पर्सन आया, ठीक है, ये इसने दे दी वोट के लिए प्रायोरिटी, दूसरा पर्सन आया उसने फर्स्ट प्रायोरिटी सी को दे दी, सेकेंड प्रायोरिटी किसको दे दी, डी को दे दी, ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी किसको दे दी, थर्ड उसने दे दी डी को, और फोर्थ प्रायोरिटी मतलब डी, सॉरी डी जो है ना उसको थर्ड प्रायोरिटी दे दी, और सी जो है उसको कौन सी दे दी, ए को कौन सी दे दी, फोर्थ प्रायोरिटी दे दी, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे सभी लोगों ने इस तरह से दे दिया। अब फर्स्ट प्रायोरिटी कितने लोगों की आई, सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आई है, मतलब कि सबसे कम प्रायोरिटी पे जो भी पर्सन आ रहा है ना, जिसके पास सबसे कम प्रायोरिटी है उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद जिस भी पर्सन के पास आएगा उसको कम कर देंगे, मतलब कि ज्यादातर जिसकी पसंद जो बचेगा ना वो उसको देखा जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, देखिए पहले हमसे पूछा गया कि तुम किसको चाहते हो, पहली प्रेफरेंस बताओ तुम्हारी, ये चार लोग खड़े हुए हैं, तो मैंने बोला कि मैं तो वे चाहती हूँ कि ए बने, ठीक है, मैंने बोल दिया ए बने। अब ए के बाद अच्छा ए नहीं बना तो फिर कौन बने, तो मैंने बोल दिया कि ए नहीं बना तो डी बन जाए, ठीक है, मुझसे इस तरह से पूछते, तो मैंने बता दिया। सेम उसी तरह से आपने बताया, तीसरे पर्सन ने भी बताया, चौथे ने भी बताया। अब उसके बाद देखा जाएगा कि कौन पर्सन है वो सबसे कम लोगों ने पसंद किया है, तो मान लीजिए डी को सबसे कम लोगों ने पसंद किया है, ठीक है, तो डी यहां से नाम कैंसिल हो जाएगा, यहां से डी का नाम कैंसिल हो गया। अब जो डी के वोट हैं वो जो भी कम लोग हैं उनके वोट, मतलब कि यहाँ पे वोट इनमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वापस देखा गया, यहाँ पे जुड़ गए वोट, फिर देखा गया कि सबसे कम कौन है, अब तो सबसे कम पता चला कि बी है, तो फिर बी हट गया, बी के वोट फिर इनमें देख लिए गए, इनमें जोड़ दिए गए, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। फिर देखा गया कि ए ए के पास सबसे कम है तो ए हट गया, तो बचा कौन, बी बचा। तो इस तरह से होता है इनकी वोट की प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, प्रायोरिटी बेसिस पे होती है, सिंपल सी बात है। ओके, अब एकल संक्रमणीय वोट पद्धति आपने देख ली। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इनमें वोट वैल्यू कैसे होती है, किसी एक पर्सन के वोट की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो इसमें वोट वैल्यू होती है डाले गए कुल वोटों की संख्या, कुल कितने, टोटल वोट कितने डाले गए हैं, ठीक है, टोटल वोट डिवाइडेड बाय कितनी टोटल वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी कितनी है प्लस वन, ये होता है एक वोट की वैल्यू, मतलब एक कोटा होता है, ठीक है। एक कोटा कितना होता है, टोटल वोट, कुल डाले गए मतों की संख्या कितने जो मत हैं वो, डिवाइडेड बाय कुल स्थानों की संख्या कितनी वैकेंसी है, चार वैकेंसी है, कितने स्थान है, कितने लोग हैं, ठीक है, प्लस वन, ए प्लस, फिर इस पूरी के साथ प्लस कर देते हैं वन, ठीक है, ये होता है। एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक विधायक के वोट की वैल्यू, कुल राज्य की जनसंख्या, देखिए किसी भी विधायक की वोट वैल्यू क्या होगी, तो वो होती है राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य के कितने जनसंख्या है, ठीक है, राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाय
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या, इंटू 1/1000, ये होती है एक विधायक की वोट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक सांसद की वोट वैल्यू भी होती है। सांसद की वोट वैल्यू क्या होती है, सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक हैं उनके जो मत हैं उनके कुल मूल्य, मतलब जितने भी राज्य हैं उनके जो सभी निर्वाचित विधायक हैं उनके टोटल जो वोट दिए गए हैं उसका कुल वैल्यू डिवाइडेड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ये आपको सारा याद नहीं रखना है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप बोल देंगे इनडायरेक्ट है। कौन सी प्रोसेस होती है इसमें, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कैसे होता है आपको बता ही दिया है मैंने प्रोसेस, और वोट वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आता है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, मतलब हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, क्लियर है। और ये राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर इनका मन कर रहा है छोड़ने का तो ये किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 में क्या बता रखा है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। इनका पद कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, लेकिन इनको इनके पद से हटाया जा सकता है उससे पहले भी, लेकिन उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। राष्ट्रपति के लिए जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसी को महाभियोग की प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, इनको इनके पद से इसी तरह से नहीं हटाया जा सकता, मन किया कि राष्ट्रपति को हटा दो तो हटा दिया, नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब शपथ कौन दिला रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। त्याग पत्र किसको दे रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। ठीक है, ओके, इलेक्शन किस तरह से होता है तो वो हमने बता दिया आपको। अब ये है इनके हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसी होती है, तो देखिए संसद के किसी भी सदन में विधेयक आ सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। मान लीजिए प्रोसेस स्टार्ट हो रही लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से प्रोसेस स्टार्ट हुई, लोकसभा से फर्स्ट स्टेप चली। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं ना उनमें से 1/4 25% लोग लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को कि हम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया चला रहे हैं। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, राष्ट्रपति कह देंगे ठीक है चला दो। तो सेकेंड प्रोसेस क्या होगी, इसमें लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी कि देखो हमने बोला इस पर, राष्ट्रपति ने बोल दिया ठीक है चला दो, फिर 2/3 वोट होंगे। लोकसभा में वोटिंग कराई जा रही है, लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 मतलब 75% वोट होंगे, मतलब कि प्लस लोग हाँ बोलेंगे कि हाँ इनको इनके पद से हटाया जाए, तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वोटिंग कराई जाएगी, राज्यसभा में भी कितना वोट होना चाहिए, 2/3 वोट होंगे, तो राष्ट्रपति को उनके उन पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हटाया जाता है। अब ये प्रोसेस राष्ट्रपति के लिए जो है वो राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबका है। तो देखिए अब अगर ये प्रोसेस राज्यसभा में स्टार्ट होती है तो राज्यसभा के 1/4 लोग जो होंगे वो लिखित में नोटिस देंगे। ठीक है, नोटिस देंगे, फिर उसके बाद फिर राज्यसभा में वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 लोग हाँ बोलेंगे, फिर उसके बाद लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 लोग हाँ बोलेंगे, तब उनको उनके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 दिन का प्रायर नोटिस देना कंपलसरी है, ये मैंडेटरी होता है लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी स्टार्ट करो प्रोसेस। ठीक है, तो महाभियोग की प्रक्रिया में 14 दिन का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 1/4 जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं कि हाँ हम आपको हटाना चाह रहे हैं। इनके लिए जो अनुच्छेद 61 में इसकी प्रोसेस दे रखी है, ठीक है, आर्टिकल 61 में, यहाँ पे हमने बताया था महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पे दे रखी है, आर्टिकल 61 में दे रखी है। ठीक है, ओके, अब इनको इनके पद से क्यों हटाया जाएगा, इनको इनके पद से अगर हटाया जा रहा है तो कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी कंडीशन ही होंगी जिसमें राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाए, जैसे कि संसद का कोई भी सदन उस पर आरोप लगा देता है, ठीक है, तो कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना काम करने में असमर्थ हैं, ठीक है, इस तरह की अगर चीज होती है तो ही उनको उनके पद से हटाया जाता है। अब इस पर जांच भी होती है कि ये सही चल रही है या नहीं है, चल रही है, जो भी आरोप राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं वो आरोप अगर सिद्ध होते हैं और सदन में 2/3 मेजोरिटी होती है तभी इनको इनके पद से हटाया जाता है, नहीं तो नहीं। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद से इस तरह से नहीं हटाया गया है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं 14 दिन का समय दिया जाता है इसके लिए। राष्ट्रपति की सीट मैक्सिमम कितने मंथ तक खाली रह सकती है, तो मैक्सिमम 6 मंथ तक खाली रह सकती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि राष्ट्रपति की सीट कभी खाली ही नहीं रह सकती।
अगर राष्ट्रपति की सीट पर कोई नहीं है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी रीजन से नहीं है, जैसे कि उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लग गई, उनकी डेथ हो गई, उनको कोई हेल्थ इशू आ गया, वो फॉरेन चले गए, या उनके 5 ईयर कंप्लीट हो गए, इन तरीके से उनकी सीट खाली हो गई। अब खाली होने के बाद उनकी सीट पर कौन बैठेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे उसी दिन ही, ठीक है। तो उनकी सीट कभी खाली नहीं रहती। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है मान लीजिए, तो कौन बैठेगा? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर इनसे, मतलब कि कोई जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो बैठेंगे, ठीक है। इनकी सीट कभी भी खाली नहीं रहती। अब वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे तो सही, पर 6 महीने के अंदर अंदर फिर इलेक्शन करा दिए जाए, फिर राष्ट्रपति चुन लिए जाए, ठीक है। तो 6 मंथ के अंदर अंदर फिर इलेक्शन होते हैं, क्लियर है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की अधिकार और उनकी शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों में सबसे पहले तो आते हैं कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति पहली बात तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति को ये शक्तियां दी गई हैं, ये अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव प्रशासनिक पावर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं वो राष्ट्रपति की हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति भी करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यपाल की, उपराज्यपाल की, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो इन सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इनफैक्ट ये अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। जो भाषाई अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये सारी राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। इसके अलावा इनको मिलिट्री पावर भी होती है, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर भी होती है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं राष्ट्रपति को, काफी सारी पावर प्रोवाइड की जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखी हमने, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ये संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। देखिए, कोई भी विधेयक आया संसद में लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पास कर दिया, लेकिन अगर जब तक राष्ट्रपति इस पे साइन नहीं करेंगे तब तक ये विधेयक कानून नहीं बनेगा। फिर इस पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब ये विधेयक कानून बनता है। ये प्रोसेस कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। राज्यसभा हाँ कर दे, फिर लोकसभा कर दे, फिर प्रेसिडेंट कर दे, ठीक है। यहाँ पे कई बार राष्ट्रपति के पास ये पावर भी होती है कि वो हाँ ही ना करें। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक आया, पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, वहां भी पास हो गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया, फिर चला गया वापस इन लोगों ने चेक करके दे दिया। अब एक बार तो राष्ट्रपति मना कर सकता है, लेकिन वापस से मना नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है इनका मन किया ना मैं मना करूं ना मैं हाँ करूं, इस चीज को टाल दूं, तो इस तरह का भी होता है। तो ये होती है इनके पास पॉकेट वेटो पावर, मतलब कि पॉकेट में रख लेते हैं बेसिकली। इन्होंने वापस ही नहीं किया, लिया और रख लिया, ठीक है। जो भी इनके पास विधेयक आया, जो भी इनके पास कार्ड आया, उन्होंने क्या किया, लिया और रख लिया, आंसर ही नहीं दिया। तो ऐसी जो पावर है वो फर्स्ट टाइम यूज की थी ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह। डाक तार से रिलेटेड पत्र जो विधेयक था वो इन्होंने पास नहीं किया था, इन्होंने यूज की थी। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। देश का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे देश के किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने के लिए, शांति स्थापित करने की शक्ति होती है, और ये शक्ति जो है वो वास्तविक नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल है, औपचारिक शक्ति होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो सारे के सारे काम किसके हिसाब से करते हैं, मंत्रिपरिषद के हिसाब से करते हैं। आर्टिकल 74 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति कोई भी काम खुद की मर्जी से नहीं करेंगे, वो किसके हिसाब से करेंगे, जो मंत्रिपरिषद है उसके हिसाब से करेंगे। तो फिर भी ये इसकी मिलिट्री पावर में क्या है, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख है, सर्वोच्च सेनापति होता है, कोई भी देश के साथ युद्ध घोषित कर सकते हैं, शांति स्थापित कर सकते हैं, ये इनकी शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति वास्तविक नहीं होती है ना, औपचारिक होती है।
ठीक है। उसके बाद इनके पास डिप्लोमेटिक पावर भी होती है। जो भी इनके पास शक्तियां हैं, सभी शक्तियों जो है वो विदेशी राज्यों के साथ ये संबंधों के स्तर पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, राज्य का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति जो है वो अन्य देशों के लिए राजदूत कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राजदूत की नियुक्ति कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, और अन्य देश जो भी और देश हैं उनके द्वारा भारत में जो नियुक्त किए जाते हैं ना राजदूत और जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं उनका स्वागत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इनकी डिप्लोमेटिक पावर्स होती है। ठीक है, इसके अलावा इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। लेजिस्लेटिव पावर किस तरह से होती है कि संसद के दोनों सदनों का अगर संयुक्त सत्र बुलाना है तो वो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और सत्रावसान करना है वो कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखते हैं इसको। संसद के 14 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन कौन से? लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य। लोकसभा के जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य, इनसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। ये लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तो हम वापस से पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 72 क्या बोलता है? राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए किसी दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, उसको कम कर सकता है। मतलब कि जो सजा है उसका लघुकरण कर सकता है, सजा को कम कर सकता है और सजा को माफ भी कर सकता है। मतलब फांसी की सजा हो गई तो उसको माफ भी कर सकता है, उसको कम कर सकता है, पूरी तरह से क्षमा दे सकता है, उसको कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। मतलब कि बहुत ज्यादा कठोर सजा थी उसको साधारण कर दी, मृत्यु दंड दिया गया, को आजीवन कारावास कर दिया, इस तरह से। ठीक है, उसको कम भी कर सकता है, 5 साल का कठोर कारावास था उसको 2 साल का कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें रोक भी लगाई जा सकती है, इसके अलावा उसको खत्म भी किया जा सकता है, मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे, इस तरह से, है ना। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। खत्म भी कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों सदनों में अगर कोई गतिरोध हो रहा है, मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, राज्यसभा में हो रहा है तो लोकसभा में नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, हर बार जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव लोकसभा के लिए जो होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं उनके पहले सत्र से पहले, मतलब प्रत्येक वर्ष से पहले जो होता है वो राष्ट्रपति आरंभ करते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं आम चुनाव से पहले, और हर साल जो प्रत्येक सत्र स्टार्ट होता है ना उससे पहले आर्टिकल 87 के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के कुछ और दायित्व भी हैं, जैसे कि बजट और वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक है, ये इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है वो भी कौन रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं। वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं हैं वो भी राष्ट्रपति रखते हैं, ठीक है, संसद के सामने। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन ये भी राष्ट्रपति रखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन वो भी राष्ट्रपति रखते हैं। मतलब संसद के सामने, लोकसभा राज्यसभा के सामने फाइल जो भेजते हैं वो राष्ट्रपति ही रखते हैं बेसिकली। मतलब कि क्या, कैग ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट कौन रखेगा? राष्ट्रपति रखेंगे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने दे दी रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन रखेंगे? राष्ट्रपति रखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति रखते हैं संसद के सामने। ठीक है, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। तो मिलिट्री पावर देख ली, डिप्लोमेटिक पावर देख ली, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमने देख ली। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल पावर भी होती है राष्ट्रपति के पास। फाइनेंशियल पावर किस तरह से होती है? जैसे कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति से पहले परमिशन ली जाती है, फिर उसके बाद धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये जब हम संसद पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे इसको डिटेल में, धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके अलावा वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है, केंद्रीय बजट जो होता है हमारा, वो संसद के सामने कौन रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं। ठीक है, जो अनुदान की कोई भी मांग होती है उसकी सिफारिश बिना राष्ट्रपति के नहीं की जा सकती। ठीक है, उसकी सिफारिश भी राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि अनुदान की मांग क्या, राज्यों को अनुदान दिया जाता है, पूरा का पूरा पैसा किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो राज्यों के लिए अनुदान की मांग होती है तो वो किस किसके पास की जाती है? राष्ट्रपति से की जाती है, फिर राष्ट्रपति से संसद में आती है, संसद फिर उसको अप्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल पावर हो गई, जैसे कि इनको क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जो पूरी की पूरी सजा है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पावर्स हो जाती है, ये जुडिशियल पावर हो जाती है, न्यायिक शक्तियां हो जाती है राष्ट्रपति की।
इसके अलावा एक और कौन सी पावर देखी थी हमने, वीटो पावर देखी थी राष्ट्रपति की, ठीक है। ओके, अब देखते हैं एकमात्र व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति बने हैं। तो राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं जो दो बार राष्ट्रपति बने, ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, ये बिहार से थे, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, मृत्यु इनकी कार्यकाल के दौरान आई, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो लोग हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के पास तीन आपातकालीन शक्तियां होती हैं, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, तीन तरह की हमारे आपातकाल लग सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले राष्ट्रपति आपातकाल कहाँ लगता है, 352, फिर 4 प्लस कर दीजिए, फिर होता है राष्ट्रपति शासन 356, और फिर आता है 4 प्लस करने के बाद 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो पूरे देश में लगता है 352, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य की जो सत्ता है वो उनसे नहीं समझ रही है, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी राज्य की जो सीएम है उनके हाथ में कंट्रोल नहीं रह रहा है, वहाँ की पूरी की तरह से बिगड़ चुकी है, वो उनसे उनकी काम नहीं संभल रहा है, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। ये देश में कभी भी लग सकता है। वित्तीय आपातकाल जो है वो देश में अभी तक कभी नहीं लगा, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब हमारे यहाँ पैसा बहुत कम हो जाता है तब, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो तीन बार लग चुका है, एक तो 1962 में लगा था, भारत चीन युद्ध हुआ था तब, दूसरा 72 में 10 साल बाद लगा था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और फिर 75 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पर सशस्त्र विद्रोह, यहाँ पे इंदिरा गांधी के टाइम पर लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, कब, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अभी तक हमारे कितने राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो 14 हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, और 14वें राष्ट्रपति हमारे कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। ये कब से हैं, तो 25 जुलाई 2017 से हैं, ठीक है। 2017 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, और ये राज्यसभा के सदस्य और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ये हमारी पहली राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति। उससे पहले 11वें जो राष्ट्रपति थे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपीजे अब्दुल कलाम। उससे पहले थे आपके के आर नारायण, फिर उससे पहले शंकर दयाल शर्मा, इस तरह से आपके राष्ट्रपति रहे हैं। तो पहले राष्ट्रपति कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, फिर जाकिर हुसैन जिन्होंने वीटो पावर यूज किया था, फिर वारागिरी वेंकट गिरी थे, फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, वारागिरी वेंकट गिरी फिर से आए थे आपके, फिर फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए जो आपके पूरे राष्ट्रपति, आपको लाइन से याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इससे रिलेटेड कई सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं राष्ट्रपति के जो लाइन बाई लाइन नेम है वो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है ये यूनियन संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव से सेकंड पार्ट आता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल 62 तक डिस्कस किया था, 52 से लेके 62 तक, ठीक है। इस लेक्चर में हम 63 से लेके 71 आर्टिकल तक डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव से सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट होते क्या है, संविधान में किस पार्ट में इसके बारे में बताया गया है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से लेके 71 तक बताया गया है। ये संविधान के भाग 5 में है, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है, यूनियन के बारे में बताया गया है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया है। लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें, क्या डिफरेंस है, अमेरिका के संविधान में जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है उसमें और भारत के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट होते क्या है, पहली बात तो वो होते हैं जो राष्ट्रपति नहीं है ना, उनकी जगह पे राष्ट्रपति के सारे काम करते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति हमारे नहीं है, या वो बीमार हैं, या किसी भी वजह से राष्ट्रपति उनके पद पर नहीं है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और वो सारे काम करेंगे जो राष्ट्रपति करते हैं,
ठीक है, यही सेम अमेरिका के संविधान में ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। भारत के राष्ट्रपति की जगह पे वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक बैठ सकते हैं, ठीक है। जब राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी जगह पे मैक्सिमम 6 मंथ तक बैठ सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ तक। और मिनिमम कब तक बैठना है, जब तक दूसरे राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं, ठीक है, या वो नहीं आ जाते हैं। तो दूसरे राष्ट्रपति जब तक चुन नहीं लिए जाए तब तक ये उनके पद पर रहेंगे, और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा, 6 मंथ का, तब तक हमें राष्ट्रपति चुनना ही होगा, ठीक है, भारत में। और अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो ड्यूरेशन लास्ट बचा हुआ है ना, जैसे 5 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है, प्रेसिडेंट की मान लीजिए 2 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है या बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो बचे हुए 3 ईयर्स का जो रिमेनिंग पीरियड है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे उस टाइम में, ठीक है। ये अमेरिका के संविधान में, और भारत के संविधान में मैक्सिमम 6 मंथ तक काम कर सकते हैं, 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट चुनना होगा, ठीक है, ओके। भारत का ये द्वितीय नागरिक होते हैं, सेकंड सिटीजन होते हैं इंडिया के, ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के, ठीक है। अब आर्टिकल 63 सबसे पहला आर्टिकल है, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है। आर्टिकल 63 में क्या बता रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये सबसे पहले डेफिनेशन दी जाती है कि ये पर्सन होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल 63 में बता रखा है। फिर आता है 64 आर्टिकल, इसमें क्या बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यों के पदेन सभापति होंगे, मतलब कि राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति या राज्यों के पदेन सभापति का क्या मतलब है, देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जिनको सभापति बोला जाता है, राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता है, जो कि कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से चुन के आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से, हर स्टेट की विधानसभा से जो पर्सन चुन के आते हैं, एमएलए यहाँ आते हैं, वो क्या होते हैं, वो राज्यसभा में आके बैठते हैं, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए 64 में क्या दे रखा है कि राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, और उपराष्ट्रपति कौन होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति होंगे ये आपने बोल दिया, और वो कौन होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, या अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष को ही आप सभापति बोलते हैं, और दूसरी चीज जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष बोला जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में सबसे पहली चीज आती है, कोई भी संवैधानिक पद है उसके लिए आता है भारत का नागरिक हो, तो उपराष्ट्रपति कौन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, सिटीजनशिप भारत की होनी चाहिए। सिटीजनशिप हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ी थी, आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ी थी, ठीक है, भाग 2 में, पार्ट 2 में। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, इसके बाद ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ सकते हैं, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, और जब ये बैठेंगे तब से लेके 5 साल तक इनका टाइम ड्यूरेशन होगा। इनके कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 67 में बताया गया है, कितना होगा, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा, कितना होगा, 5 ईयर्स का, क्लियर है। 35 ईयर्स के बाद कभी भी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति वही पर्सन बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स और उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स, आप कंफ्यूज ना हो। उपराष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स, राष्ट्रपति के लिए भी 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं हमारे देश के, मतलब हमारे राज्यों के राज्यपाल, उनके लिए भी क्या चाहिए, आपकी 35 ईयर्स चाहिए, और प्रेसिडेंट के लिए भी 35 ईयर्स चाहिए, क्लियर है। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई सैलरी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं, केंद्र सरकार और किसी राज्य के मंत्री होते हैं ना, उनको लाभ का पद नहीं बोला जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई सैलरी नहीं लेनी चाहिए। अगर ये ऐसे किसी पद पर हैं और ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शन कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाते हैं, तो ये वो वाला पद छोड़ देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इनको दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, तो वो पर्सन उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहली चीज तो भारत का नागरिक हो, मिनिमम एज 35 ईयर्स हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट ना हो, ठीक है, तो वो पर्सन भारत का उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और मिनिमम एज दोनों की कितनी है, 35 ईयर्स है, और इनके कार्यकाल के बारे में किसमें बता रखा है, 67 में बता रखा है, सॉरी 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, और राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है वो भी कितना होता है, 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव,
अब हमने क्या देख लिया, इनकी योग्यताएं देख ली, अब इनका इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के लिए चुनाव किस तरह से होता है, ये आर्टिकल 66 में बताया गया है। किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमने उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं दिया कभी भी, क्यों, क्योंकि उनके इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है, तो संसद के सभी सदस्य देते हैं, ठीक है। संसद मतलब कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, सभी सदस्य मतलब कि निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात हो रही है, अप्रत्यक्ष होता है। और किस तरह से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति द्वारा, ठीक है। ये हमने राष्ट्रपति के लिए देखा था, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या होती है ये, ठीक है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया प्रायोरिटी बेसिस पे हम देते हैं, कि जैसे कि चार चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इनको प्रायोरिटी कौन सी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये पर्सन है, सेकंड प्रायोरिटी ये पर्सन है, थर्ड प्रायोरिटी ये, इस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पे इनको चुना जाता है, ठीक है। इस तरह से जिसके पास सबसे कम प्रायोरिटी, जिससे कम सबसे कम लोगों ने पसंद किया उसको हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद जिसको सबसे कम लोगों ने पसंद किया है उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जो बचता है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट देता है, उसमें भी संसद के सदस्य देते हैं, मतलब कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य देते हैं, लेकिन लोकसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य देते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो नहीं देते राष्ट्रपति के इलेक्शंस में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों देते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति लोकसभा के दो सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को, इस तरह से टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो ये जो 14 सदस्य जो राष्ट्रपति ने चुने ना, ये राष्ट्रपति को नहीं चुनते, ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं चुनते। और राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस है ना, उसमें एमएलए, स्टेट के जो एमएलए होते हैं वो भी वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में ये वोट नहीं देते। यहाँ पे दिल्ली और पांडुचेरी की जो एमएलए हैं वो भी वोट देते हैं राष्ट्रपति के लिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं देते। तो ये डिफरेंस होता है इनके निर्वाचन में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य देते हैं, जबकि राष्ट्रपति के में नहीं देते, और राष्ट्रपति के में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो नहीं देते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो स्टेट के एमएलएज हैं वो नहीं देते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट के एमएलएज वोट देते हैं, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ये किस आर्टिकल में लिख रखा है, तो आर्टिकल 66 में लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं शपथ। अब राष्ट्रपति की योग्यताएं देख ली, सॉरी उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देख ली, उपराष्ट्रपति के योग्यताओं के बाद हमने उनके निर्वाचन की प्रोसेस देख ली क्या होती है। अब हम देखते हैं उनकी शपथ, उनको ओथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। ये किसके सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 69 में दे रखा है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति नहीं हो, अनुपस्थित हो, तो जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं उस पर्सन के सामने ये शपथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति वहां पे नहीं हो, राष्ट्रपति विदेश गए हो किसी भी काम से, वो वहां पे ना पहुंच पाए, तो राष्ट्रपति किसी एक पर्सन को नियुक्त करेंगे कि हमारी जगह पे ये खड़ा रहेगा, आप इसके सामने शपथ ले लीजिएगा, तो उसके सामने शपथ ले लेते हैं। तो ओथ के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 69 में बता रखा है, ठीक है, ओके। आर्टिकल 71 में क्या दे रखा है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ होती है, मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ होती है, तो उस गड़बड़ को कौन देखेगा, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वही इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, चुनाव में कोई भी विवाद होता है, तो उसका जो अंतिम निर्णय होगा ना, लास्ट डिसीजन, वो कौन लेंगे, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उस प्रोसेस से रिलेटेड, या राष्ट्रपति के चुनाव के प्रोसेस से रिलेटेड, ये जो भी होगा ना, वो जो डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन, उसकी चेकिंग कौन करेंगे, तो हमारे जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो करेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और उस पर चेकिंग चल रही है कि उपराष्ट्रपति जो भी पर्सन बना था वो गलत तरीके से बना था, वो अवैध तरीके से बना था, उसकी जो निर्वाचन प्रोसेस थी वो गलत थी, तो उस टाइम पे उस पर्सन को तो हटा दिया जाएगा उपराष्ट्रपति के पद से, ठीक है, सीजीआई हमारे चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये अवैध घोषित हो जाता है, ठीक है, निर्वाचन जो है वो गलत घोषित हो जाता है, तो भी जो उपराष्ट्रपति ने जो निर्णय लिए थे ना, वो अवैध घोषित नहीं होंगे, मतलब वो निर्णय उस टाइम पे भी लागू रहेंगे, ठीक है, जब उसने उपराष्ट्रपति रहते हुए जो निर्णय लिए थे ना, वो चलते रहेंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं इनके वर्ग क्या है।
हमने इनकी क्वालिफिकेशन देख ली, इनकी उसके बाद फिर इनका डिस्प्यूट देख लिया, इलेक्शन में इलेक्शन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं इनके काम क्या है, बेसिकली ये काम क्या करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। तो राज्यसभा में कोई भी बिल आता है, ठीक है, कोई भी बिल अगर राज्यसभा में आता है तो वो उपराष्ट्रपति की अनुमति से ही पास होगा, ठीक है, वहां पे उपराष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति कभी भी बिल पर साइन नहीं करते हैं, पहली चीज तो, मतलब वो वोटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा डिस्प्यूट होता है, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग अभी हैं प्रेजेंट में, 100 लोग हैं, तो उनमें से 50 लोगों ने बोला कि हमें ये बिल मंजूर करना है और 50 लोगों ने बोला ना, नहीं पास करना है। तो अब क्या हो गया, ना तो ये पास हो सकता ना ये फेल हुआ। तो अब क्या करेंगे, तो अब उपराष्ट्रपति का एक वोट होगा जो कि कैसा होगा, निर्णायक होगा, ठीक है, निर्णायक मत होता है ये। निर्णायक मत क्या होता है, ये जिस भी जगह पे वोट देंगे, मान लीजिए इन्होंने यस में बोला तो 51% यहाँ हो गया, या उन्होंने नो में बोला तो ये जो वोट देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति। ये सिर्फ और सिर्फ तब कंडीशन में देते हैं जब यहाँ पे बराबर वोटिंग हो जाए, ठीक है, जनरली नहीं दिया जाता, ओके। तो ये काम होता है। और राष्ट्रपति जब अनुपस्थित होंगे तो उनके सारे काम करेंगे, और जब ये राष्ट्रपति के सारे काम करेंगे तो राष्ट्रपति की जो भी सैलरी होगी, जो भी वेतन होंगे, जो भत्ते होंगे, वो सेम उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो, ठीक है। आर्टिकल 64 और 65 जो बताता है वो उपराष्ट्रपति की जो काम है उनको बताता है, कौन कौन से आर्टिकल 64 और 65 उपराष्ट्रपति के काम को बताता है। ये राज्यसभा के सभापति की जो शक्तियां सारी होती हैं वो पूरे काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि इनकी जो शक्तियां होती है वो सेम वैसी होती हैं जैसे लोकसभा के अध्यक्ष की होती हैं, ठीक है, सेम उसी तरह की इनकी शक्तियां होती हैं। लेकिन राज्यसभा के ये सदस्य नहीं होते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति तो होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें निर्णायक मत की, तो वो कौन देते हैं, उपराष्ट्रपति देते हैं। जब राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से खाली हो जाता है, जैसे कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो, महाभियोग दे दिया हो, या फिर उनकी डेथ हो गई हो, और किसी भी रीजन से होता है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और मैक्सिमम कितने मंथ तक काम कर सकते हैं, 6 मंथ तक काम कर सकते हैं, ठीक है, जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है, ओके, ठीक है। तो किसी भी बीमारी वगैरह की वजह से भी हो सकती है राष्ट्रपति, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे काम करेंगे, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये काम करेंगे तो उनको वही वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज, उस टाइम पर जब ये राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे ना, तो तब ये उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, तब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करते हैं, तब ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के तरह काम करते हैं। और उस टाइम पे फिर राज्यसभा का सभापति कौन होगा, तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ना, वो उस टाइम पे राज्यसभा का सभापति हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस, किस तरह से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। तो पहली चीज तो ये है कि राष्ट्रपति को उनके पद से किस तरह से हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव स्टार्ट होता है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट हो सकता है। अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है तो 1/4 लोकसभा के लिखित में नोटिस देंगे इतने लोग, और फिर उसके बाद लोकसभा में वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 मेजोरिटी के बाद पास होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में वोटिंग कराई जाएगी, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, मतलब उसके लिए सूचना दी जाती है बेसिकली कि हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। सेम इसी तरह से उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव होगा वो राज्यसभा से स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति के लिए कहीं से भी स्टार्ट हो सकता था, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है तो इसीलिए राज्यसभा से स्टार्ट होगा। फिर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत होगा, पूर्ण बहुमत का मतलब है कि 50% + 1, ठीक है, पूर्ण बहुमत होगा। पूर्ण बहुमत के बाद ये जो बिल है वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी मंजूरी मिल जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है, और ये होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। जब इनको इनके पद से हटा दिया जाता है तो उसके बाद राज्यसभा की सीट पर कौन बैठता है, मतलब राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी सीट पर कौन बैठता है, राज्यसभा के सभापति जो है वो राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा की सीट पे बैठेंगे, ठीक है। इसीलिए उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं, ओके। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो 5 साल पूरे हो गए तो हट गए वो अपने पद से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को लग रहा है कि हमें जाना है तो ये साइन करके राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो खुद अपनी मर्जी से हट जाए,
तो जा सकते हैं। इसके अलावा इम्पीचमेंट प्रोसेस हो सकती है। इसके अलावा इनकी अचानक डेथ हो जाए, बीमार हो जाए, वो कोई रीजन हो जाए तो वो हो सकता है, और या फिर 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उपराष्ट्रपति के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, एक चीज और हम बताते हैं, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनकी जगह पे कौन बैठता है? उपराष्ट्रपति बैठते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब राष्ट्रपति के पद पे कौन बैठेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के पद पे बैठेंगे। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन बैठेगा? तो फिर जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। मतलब राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहता, या तो राष्ट्रपति होंगे, नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति होंगे, नहीं होंगे तो सीजीआई होंगे, नहीं होंगे तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का बैठेगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे 1960 में, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति भी थे और ये राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे 1969 में? मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जो कि राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे इस टाइम पे 1969 में। यहाँ पे हमारे जो बारागिरी वेंकट गिरी थे आपके उपराष्ट्रपति, वो भी नहीं थे, तो इसीलिए उनकी जगह पे मतलब उपराष्ट्रपति नहीं बैठे, फिर आपके कौन बैठे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, तो कृष्णकांत, इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ये कब से कब तक आपके उपराष्ट्रपति थे? तो 1997 से लेके 2002 तक। ठीक है, ये भारतीय उपराष्ट्रपति रहते, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं हम उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, जिससे कि आपका पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। आर्टिकल 63 में क्या बता रखा है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 में क्या बता रखा है? कि ये राज्यों के परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, मतलब कि राज्यों के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, आर्टिकल 65 में क्या दे रखा है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए या कार्यकाल में कुछ भी आकस्मिक रिक्तियां हैं उनके दौरान पर, अनुपस्थिति के दौरान पर अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। मतलब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर बैठेंगे जब भी राष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है, 65 हो गया। फिर उसके बाद 66 में उनकी चुनाव के बारे में लिख रखा है, 67 में उनकी पद का कार्यकाल दे रखा है, 65 मतलब सॉरी यहाँ पे उनका पद का कार्यकाल कितना हुआ? 5 ईयर्स का। उसके बाद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की वैकेंसी भरने के लिए चुनाव कराने की प्रोसेस, उसका समय, उसके निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के लिए पद का कार्यकाल, ये सभी 68 में दे रखा है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करना है, उनकी अगर वैकेंट हो जाती है उपराष्ट्रपति की जगह तो फिर उनकी चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद 69 में क्या दे रखा है? उपराष्ट्रपति की शपथ, ये किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। और रिजाइनिंग भी किसको करते हैं? राष्ट्रपति को ही करते हैं। 70 में क्या दे रखा है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना। 71 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले, ये कौन देखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देखेंगे। ठीक है, और 71 तक यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में हो गया। यहाँ पे 72 और 73 भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 72 में क्षमा करने संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति दे रखी है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है उन सब के बारे में बताया गया है। कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित करने और उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां बता रखी है 72 में। 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा के बारे में बता रखा है 73 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे आर्टिकल देखे, तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे काम करेगी, इनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होती है, इनकी टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, इलेक्शन किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू आपके उपराष्ट्रपति हैं, ये 11 अगस्त 2017 से हैं, अभी प्रेजेंट में भी ये आपके उपराष्ट्रपति हैं। ये सभी हमारे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये 52 से लेके 57 तक, फिर उसके बाद दूसरा कार्यकाल था 57 से लेके 62 तक, मतलब कि 10 साल ही आपके उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद आए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेके 1967 तक रहे थे। फिर उसके बाद आए थे बारागिरी वेंकट गिरी कब तक थे? 67 से लेके 69 तक थे। ठीक है, बारागिरी वेंकट गिरी इस टाइम पे
ये भी नहीं थे, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे इसी टाइम पे मोहम्मद हिदायतुल्ला जो थे वो राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक थे, गोपाल स्वरूप पाठक ये 69 से लेके कहाँ तक थे, 69 से लेके 74 तक, 4 साल हो गए। फिर बीडी जत्ती थे, ये आपके 74 से लेके 79 तक थे, ठीक है, वीडी जत्ती। फिर आपके आए थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला 79 से लेके 84 तक, ठीक है। उसके बाद आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन आपके कब से कब तक थे, 84 हो गया तो 84 से लेके 87 तक थे, ठीक है। फिर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा कब से कब तक थे, 87 से लेके 92 तक। उसके बाद नारायण, ठीक है, आपके के आर नारायण थे, ये आपके 92 से लेके 97 तक थे। उसके बाद 97 से लेके कृष्णकांत, ये 97 से इनकी डेथ कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो 1997 से लेके 2002 तक थे, ठीक है। फिर उसके बाद भैरव सिंह शेखावत थे, भैरव सिंह शेखावत आपके 2007 से लेके कहाँ तक थे, 2012 तक थे, ठीक है। और 12 से लेके 17 तक आपके मोहम्मद हामिद अंसारी थे, 2012 से लेके 17 तक, कौन, अंसारी। और अभी आपके वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, एम वेंकैया नायडू, ये आपकी 2017 से हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये वाले जो थे ये इंडिपेंडेंट थे, ये जो आपका कलर दिख रहा है आपको, ये इंडिपेंडेंट थे, सब इंडिपेंडेंट लड़े थे। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कृष्णकांत, ये जनता दल के थे। यहाँ पे आपको ब्लू कलर जो दिख रहा है ना, वो कांग्रेस के थे, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के थे पहले, बाद में इन्हें इस पार्टी से रिजाइन कर दिया और उपराष्ट्रपति बन गए, ठीक है। ये किसी पार्टी से नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो शेखावत थे, ये किस पार्टी से थे, तो ये बीजेपी से थे, और वेंकैया नायडू भी बीजेपी से, ठीक है, ओके। तो ये हमारे सारे उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू हमारे 13 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। सबसे पहले थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 10 साल उन्होंने काम किया था, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, ठीक है। उसके बाद आपके गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला आपके कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ओके। यहाँ पे हमने सारे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सही मेल नहीं खाता है। तो 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो पदेन सभापति होंगे, बिल्कुल होंगे, 64 में लिख रखा है। 66 में उनके चुनाव के बारे में बताया गया है, बिल्कुल है। 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ बताई गई है, बिल्कुल। और 61 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया, नहीं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 61 में नहीं बताया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 61 आपका ये गलत होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं, ठीक है। तो ये आपका, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दे रखा है, तो 63 से लेके 71 तक दे रखा है। तो ये तो आपका वैसे आपको समझ आ गया कि गलत अलग हो गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति के बारे में 61 में कुछ लिखा ही नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में लिखी गई है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।